अरे मोदी जी और अखिलेश बाबू यार, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। अरे बताओ यार, तुम कब के लगे हुए हो इस काम में? अभी तक तुमसे ये काम ना निपटा। अरे मुझे देखो, मैंने 1 घंटे पहले अपना काम निपटा दिया और सब काम को निपटा के तुमसे यहाँ बात करने भी आ गया। अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे मोदी जी तुम क्या कर रहे हो यार, तुम बातें तो बड़ी लंबी लंबी करते हो, हाथों से भी तो काम कर लिया करो कुछ। और अखिलेश बाबू तुम, अरे तुम्हारी तो बिल्कुल नई उम्र है यार, तुम तो यार एकदम तेजी से कर कर अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते। अरे चुप करो योगी जी, क्या बेकार की बातें कर रहे हो। अरे योगी जी अपना काम आराम से करेंगे। अरे अब हमारे पास यही काम तो है। अरे देश में तो कोई काम बचा नहीं, मैंने सब कर दिया, पूरा विकास कर दिया देश का, सड़कें बनवा दी, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, बेरोजगारी खत्म कर दी, सबको सरकारी नौकरी लगा दिया। अरे देश में अब कोई काम नहीं बचा है योगी जी। अरे मैंने इतना विकास कर दिया, खुद विकास को नहीं पता कितना विकास हो गया, समझे योगी जी? अरे मोदी जी तुम तो विकास की बातें ना करो तो ही अच्छा है। अरे मोदी जी तुमने कैसी कैसी बातें करी थी चुनाव से पहले, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा। अब तुम्हें पता है पेट्रोल डीजल 125 रुपये लीटर मिल रहा है, बेरोजगारी दूर कर दूंगा। अब हर 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 घर में 5-5 बेरोजगार पड़े हैं। मोदी जी तुम कहाँ बातें कर रहे हो विकास की? विकास तो इतना पागल हो गया, विकास को समझ ही नहीं आ रहा भैया मेरा क्या होगा। अरे मोदी योगी जी ये अपना झोला उठा के कहाँ जा रहे हो आजकल? अरे मोदी जी कहीं तुम अपना वो बात तो पूरा नहीं कर रहे हो जब तुमने कहा था अरे हम तो फकीर आदमी हैं झोला उठाकर चल देंगे। अगर तुम जा भी रहे हो तो भैया योगी को कहाँ लेके जा रहे हो? योगी थोड़ी फकीर आदमी है, ये तो बड़े वो आदमी हैं ऊंचे वाले। अरे नहीं नहीं अखिलेश बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो जुमला तो मैंने चुनावी फायदे के लिए बोल दिया था कि हम तो फकीर आदमी हैं झोला उठा के चल देंगे। अगर तुमको मैं कहीं से दिखता हूँ क्या फकीर आदमी? अरे भैया मैं कहीं से फकीर वकीर नहीं हूँ, मैंने फकीरों को फकीर नहीं छोड़ा, अमीरों को अमीर नहीं छोड़ा, ये मोदी जी का जादू है, मोदी जी का, समझे अखिलेश बाबू? और ये तुमने अपना नया धंधा कब से शुरू कर दिया अखिलेश बाबू, ये मुझे बड़ा पसंद आया भैया। अरे अखिलेश बाबू ये तुम्हारा रिक्शा बड़ा तेज चल रहा है यार, मुझे लखनऊ तक छोड़ दो और मोदी जी को दिल्ली पहुंचा दो। अरे क्यों नहीं योगी जी, बिल्कुल पहुंचा देंगे, अरे हमारा काम ही यही है। अरे हमारे रिक्शे का नाम है राजधानी रिक्शा, ये राजधानी से राजधानी चलता है, ये गुजरात से भोपाल, भोपाल से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और चंडीगढ़ होते हुए ये अमृतसर पहुंचेगा। अरे योगी जी 2 घूंट आप भी लीजिए हुक्के की। अरे योगी जी आपके लिए एकदम ताजा और फ्रेश हुक्का भरा है, ताजा एकदम, अरे फ्लेवर वाला तंबाकू मंगवाया सिर्फ आपके लिए योगी जी। अरे अखिलेश बाबू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हुक्का बीड़ी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अरे ये बेकार की बातें हैं, तुम कहाँ से इसको सीख गए भैया? इनको छोड़ दो, तुम्हारे फेफड़े गल जाएंगे। और मैं तो ऐसा शौक रखता नहीं हूँ, मेरे जरा ऊंचे वाले शौक हैं, ऊंचे वाले, समझ रहे हो ना, ऊंचे वाले। हाँ अरे योगी जी तुमसे किसने कह दिया ये बेकार की बातें हैं? अरे भैया ये गाँव की शान होती है, तुम गाँव में जब जाओगे वहाँ देखो चौराहों पर, बैठकों पर ये हुक्का बड़ी शान से पिया जाता है, गाँव के बुजुर्ग पीते हैं, समझे? अरे मोदी जी तुम ही समझाओ इसको, तुमको तो सब पता है। अबे चुप कर, मुझे कैसे सब पता है, तूने कब देख लिया मुझे हुक्का पीते हुए? अरे सॉरी मोदी जी, अरे मुझे लगा मोदी जी आपका तो बचपन से शौक रहा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो आप यही बात तो बोलते हो, मेरा इस चीज से बचपन से नाता है। तो मोदी जी मुझे लगा कि आपका हुक्के से भी बचपन से नाता होगा, इसलिए मैंने बोल दिया आपको सब पता है। अरे योगी मोदी जी ये क्या कर रहे हो? अरे भैया अब क्या चाहते हो हमसे? अरे सत्ता तो तुमने पलट दी, अब क्या इस खाट को भी पलटोगे? अरे अखिलेश बाबू तुम ही समझाओ इनको, वरना हम नीचे गिर जाएंगे खाट से। अरे ओ मोदी चचा, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे योगी जी रुकिए तो, अरे भैया कुछ बात करिए, ये क्या बात हुई सीधा खाट उठा के चल दिए? अरे रुकिए भैया मेहमान आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी आज का हमारा मेहमान है, इनका खाना हो जाए एक टाइम का फिर ये यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपको खाट चाहिए तो बताइए, हम दूसरी खाट यहाँ ला के दे देते हैं आपको। अरे मोदी जी अरे कुछ बात तो करिए। अरे देखिए अखिलेश बाबू बात बात बाद में होती रहेगी, अरे हमको ये खाट चाहिए। अरे तुमको दिख नहीं रही है हमारी हालत कैसी हो रखी है इस टाइम? अरे भैया हम खेत से आए हैं काम करके, तुमको पता नहीं है हमसे बड़ा जमींदार कोई नहीं है इस पूरे हिंदुस्तान में, मुझसे और योगी से बड़ा किसान कोई नहीं है। तो भैया अब हमको थकान मिटाने के लिए खाट चाहिए, तुम इससे उतरो, बैठे हुए हो बाबूजी बनकर, क्यों योगी जी सही कहा ना मैंने?
अरे मोदी जी, तुम तो बिल्कुल सही कहते हो, तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। और सुनिए राहुल गांधी और अखिलेश बाबू, खाट से उतरिए, अब हमको यहाँ आराम से सोना है। अरे भैया, तुम कुछ काम धाम भी कर लिया करो, ये बाबूजी बन के बैठे रहते हो, हमारा देखो मेहनत कितनी करते हैं, मेरी बॉडी में कट देखो क्या कट पड़ रहे हैं, हटो। अरे अखिलेश बाबू, ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो भैया, अरे बाहर निकलो यार इसमें से तुम। अबे ये खाट टूट जाएगी, अरे खाट टूट गई तो मैं और योगी जी नीचे गिर जाएंगे, और भैया हमारे पास एक ही खाट है, तुम यार बाहर निकलो जल्दी। अरे योगी जी, तुम ही समझाओ यार, ये एक ही खाट है, अगर ये भी टूट गई तो फिर हम कहाँ बैठेंगे। अरे अखिलेश, तुमको सुन नहीं रहा मोदी जी क्या कह रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं भैया बाहर निकलो तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो बात मोदी जी कहते हैं उस बात को कोई टाल नहीं सकता, आए बात समझ में। भैया निकलिए बाहर, अगर ये खाट वाट टूट गई तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे चोट भी लग सकती है, अरे हमारी हड्डी पसली में चोट लग गई तो हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, और ये एक ही खाट है, अगर ये भी टूट गई तो हमारे उठने बैठने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जल्दी बाहर निकलिए, अबे हम गरीब आदमी हैं, तुम समझा करो अखिलेश बाबू। अरे वाह मोदी जी, वाह वाह योगी जी वाह, तुमने ये कैसी बातें कर दी, अबे तुम लोग भी गरीब हो तो इस देश में फिर तो अडानी अंबानी भी गरीब हैं, फिर तो इस देश में कोई अमीर नाम की चीज ही नहीं है, ये तो सारा देश ही गरीब है, अगर तुम लोग भी गरीब हो तो। वाह जी वाह, अब तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं भैया, माफ करो।